पूछना चाहते हैं कि कैसा लगा? जी हां दोस्तों, आज हमारे बीच आने वाले यार, अरे गला गला खराब हो जाएगा मंदिर के। आपकी मुकद्दर का ये ट्रेलर लॉन्च हुआ, कितनी खुशी हो रही है। एज ए प्रोड्यूसर अगर कहा जाए तो यहाँ जितने लोग बैठे थे देख रहे थे, बल्कि वो कहते हैं लोगों की आंखें नहीं सांसें भी थम गई थी इस फिल्म का ट्रेलर देख के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जवाब तो आप ही दे रहे हैं, जवाब तो आप ही दे रहे हैं। सांसें थम गई तो खुशी से ज्यादा और क्या होगी मुझे, इससे ज्यादा मुझे खुशी और क्या होगी। और दूसरी बात क्या है, खेसारी के साथ काम करके, काजल के साथ काम करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सारे आर्टिस्टों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, किसी से कोई मुझे तकलीफ नहीं है जी। और कब तक ये रिलीज हो रही है? छठ पे फिल्म रिलीज कर रहा हूँ अक्टूबर में। कितने कितने थिएटर में रिलीज हो रही है? कम से कम 100-125 थिएटर से रिलीज करूँगा फिल्म, वो तो डिस्ट्रीब्यूटर पे है जी जी। और म्यूजिक की बात करें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट विषय है फिल्म का, और ये ग्राफ भी बहुत ऊपर लेके जा रहे हैं म्यूजिक, क्या कितना मेहनत लगा ये म्यूजिक तैयार करने में और क्या कहना चाहेंगे जी? म्यूजिक तो म्यूजिक डायरेक्टर ने बनाया, उसने मेहनत की है, आप लोगों को अच्छा लगा उसके लिए मैं भी खुश। बहुत कम बोल रहे हैं वसीम भाई, क्या बात है। आप, जी जी जी, आप जितना जितना बोलेंगे। वसीम भाई की तरफ से मैं बोल दे रहा हूँ, बहुत नेक दिल इंसान है, मैं जितेंद्र जैन का छोटा भाई, बराबर प्यार मिलता है। बड़ी मेहनत की है, जिस तरह एक पिता जब बेटी की शादी करता है तो थक जाता है, मर सा जाता है, तो उन्होंने वो पूरा प्रयास, पूरी मेहनत, पूरी ताकत झोंक दी है। और ये सुपर नहीं 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 नहीं, पूरे मेरी कोई मेहनत नहीं, नहीं नहीं काम बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं थका हूँ काम के साथ, ऐसी बिल्कुल नहीं थका हूँ, काम परेशानी नहीं है। मैंने मुकद्दर बहुत दिल से बनाई है, मुकद्दर मैंने बहुत दिल से बनाई है। दर्शक दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे जब ये थिएटर में लगे? मैं दर्शकों से अपील करूँगा कि दर्शक मेरी फिल्म देखें और फिल्म को सराहें, यही एक उम्मीद है कि फिल्म उन लोगों दर्शकों को अच्छी लगे। विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, वेलकम। श्री